राजस्थान में विधानसभा की चूंटणी नजीक आ रही है तरह सचिन पायलटे रविवार राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सामे लगावामां आवेला आरोप की तपास करवा माटे कहूं। पायलटे कहूं कि भ्रष्टाचार आरोप की तपास की मांग साथ 11 एप्रिल रोज एक दिवस उपवास राखीश। सचिन पायलटे कहूं कि जारी विपक्ष में था त्यारे मैं अने अशोक गहलोते वसुंधरा राजे पर केटलाक आरोप लगाव्या हता अने तेनी तपास थवी जोईए। पायलटे कहूं कि हूं बदलानी राजनीति में मानतो नथी परंतु विपक्ष तरीके विश्वसनीयता हती अने ए माटे सत्ता में आव्यो छे। तेमणे कहूं कि दोढ़ वर्ष पहला आ मुद्दे सीएम अशोक गहलोत ने पत्र लख्यो हतो परंतु तेनो कोई जवाब मळ्यो नहीं। पायलटे कहूं कि राजस्थान विधानसभा की चूंटणी पहला भ्रष्टाचार आरोप सामे तपास थवी जोईए। हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरे। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 90P को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का एक बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में है। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचाए चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में भागला पड़ी रहा होय तेम लागी रहूं छे। सचिन पायलटे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर लगावामां आवेला भ्रष्टाचार आरोप पर तपास की मांग सीएम अशोक गहलोत समक्ष मुकी। आ माटे पायलटे 11 एप्रिल रोज एक दिवस उपवास पर बेसे तेवुं पण कह्युं। त्यारे हवे राजस्थान सरकार मंत्री प्रताप खाचरियावास सचिन पायलट समर्थन में आया। प्रताप खाचरियावासे जणाव्युं कि सचिन पायलट जो कोई सवाल उठावी रहा छे तो तेमनुं सन्मान थवुं जोईए। तेमणे पोतानो अवाज उठावानो अधिकार छे। लोकतांत्रिक पार्टी में दरेकने आ स्वतंत्रता होय छे। खाचरियावासे कहूं कि भाजपा भ्रष्टाचार मामले जो तेमने लड़वू पड़े तो तेवो पण तैयार छे। मैं तो खुद करप्शन के लिए जान हाजिर है और करप्शन के खिलाफ हूं। मुझे अच्छा लगा कोई भी व्यक्ति जब करप्शन के खिलाफ बोलता है और वो भी बीजेपी के करप्शन के खिलाफ तो सच्चाई सामने लाता है। कोई गुनाह कर दिया, कांग्रेस का एक नेता बीजेपी के करप्शन के खिलाफ बोल रहा है, ये कोई गलत नहीं। बिल्कुल बीजेपी के करप्शन के खिलाफ राहुल गांधी भी आवाज उठा रहे, बाकी नेता भी आवाज उठा रहे तो उठा सकते हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कोर्पोरेशन में नवा मेयर की चूंटणी 26 एप्रिले योजाशे। आपना उम्मीदवार पर सस्पेन्स यथावत छे। वर्तमान मेयरे चूंटणी तारीख 26 एप्रिल नक्की करी छे। दिल्ली सरकार शहरी विकास मंत्री और एमसीडी नामांकित सभ्य सौरभ भारद्वाजे जणाव्यु कि एप्रिल में मेयर की चूंटणी करावी जरूरी छे। मने लागे छे कि जो एलजी ऑफिस में नियमों और नियमों पालन करवामां आवे तो चूंटणी शांतिपूर्ण रीते योजवामां आवशे। आप नेताए कहूं कि शक्य छे कि डेप्यूटी मेयर ने प्रोटेम मेयर बनावामां आवे अने ते मेयर की चूंटणी करावी शके। आ पछी नवा मेयर डेप्यूटी मेयर अने अन्य चूंटणी योजी शके। आ सिवाय स्टेन्डिंग कमिटी की चूंटणी पर आपना नेताओं कहूं कि आ मामलो हजू कोर्ट में छे अने जल्दी उकेलाई जवानी आशा छे। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छेल्ला केटलाक दिवसोथी वडाप्रधान मोदी की डिग्री पर सतत सवाल उठावी रह्या छे। दरमियान दिल्ली लेफ्टनंट गवर्नर वीके सक्सेनाए सीएम अरविंद केजरीवाल पर आकरा प्रहार कर्या। केजरीवाल नाम लीधा विना तेमणे कह्युं कि केटलाक लोको आईआईटी माथी डिग्री मेळव्या पछी पण अशिक्षित रहे छे। एलजीए वधुमां कह्युं कि कोईए डिग्री पर गर्व न करवो जोईए, डिग्री अभ्यासनी रसीद छे, शिक्षण ए छे जे मनुष्यना आदर्शने प्रतिबिंब करे। वास्तवमां लेफ्टनंट गवर्नरे सवाल पूछवामां आव्यो हतो कि आम आदमी पार्टी वडाप्रधाननी डिग्रीने लईने सतत सवाल उठावी रही छे। आ सवालना जवाबमां एलजीए कह्युं कि हा, मैं एवुं पण सांभळ्युं छे कि विधानसभामां केटलीक वातो कहेवामां आवी छे परंतु क्यारे कोईए क्यारे पोतानी डिग्री पर गर्व न करवो जोईए, डिग्री ए शिक्षणना खर्चनी रसीदो छे, शिक्षण त्यां छे जे मनुष्यना ज्ञानने प्रतिबिंब करे छे। દિલ્હીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર વિનયકુમાર સક્સેનાએ 9 એપ્રિલથી 30 જૂન સુધીમાં યમુના નદીને સાફ કરવાનું અભિયાન ઉપાડ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે અમે ક્રેડિટ માટે નહીં પરંતુ દિલ્હીના લોકોને સ્વચ્છ યમુના આપવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ। અમારો ઉદ્દેશ છે કે દિલ્હીના લોકો યમુનાને એક અલગ સ્વરૂપમાં જોઈ શકે। યમુનાની સફાઈનું કામ મિશન મોડમાં ચાલી રહ્યું છે। 22 કિલોમીટરનો વિસ્તાર સાફ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને અમે 30 જૂન સુધીમાં તેને સાફ કરીશું। किनारे जितनी गंदगी थी उसको साफ करने का भी काम चल रहा है और मिशन मोड पे काम हो रहा है। और आपने स्वयं भी देखा कुदिशय घाट 15 दिन में किस तरह बदल गया। इसी तरीके से 22 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है उसको साफ करने का प्रयास चल रहा है और 30 जून तक हम उसको क्लीन कर देंगे।